छत्तीसगढ़ के धमतरी नगर निगम के श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में स्थित एक खाली गोदाम में चुनावी शराब छिपाकर रखने का भाजपाइयों का आरोप सही साबित हुआ। आज सुबह विधायक रंजना साहू की मौजूदगी में बंद गोदाम का ताला खोला गया और उसके अंदर 20 बोरियों में रखी 325 लीटर अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया। जब्त की गई शराब की कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इससे पहले मतदान से ठीक एक दिन पहले भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के एक खाली गोदाम के पास पहुंचे थे। भाजपाइयों का आरोप था कि मतदाताओं को बांटने के लिए भारी तादाद में गोदाम में शराब छिपाकर रखी गई है। भाजपाइयों ने इस मामले में तत्काल कार्यवाही की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया था। कार्यवाही के लिए भाजपा विधायक रंजना साहू, जिला अध्यक्ष शशि पवार सहित कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन निजी संपत्ति होने का हवाला देते हुए आबकारी विभाग ने अंदर बगैर तलाशी लिए बाहर से सील कर दिया था। आबकारी विभाग ने सर्च ऑर्डर के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। न्यायालय से सर्च ऑर्डर मिलता उससे पहले ही बड़े ही नाटकीय ढंग से रत्ना बांधा निवासी दयाशंकर तिवारी नाम का युवक रविवार को सिटी कोतवाली पहुंच गया। उसने गोदाम की चाबी अपने पास होने और वहां शराब छुपाकर रखने की बात पुलिस के सामने कबूल की। पुलिस विभाग द्वारा आबकारी को इसकी जानकारी दी गई। आबकारी के अमले ने विधायक रंजना साहू को इसकी जानकारी देते हुए सबकी मौजूदगी में गोदाम का सील और ताला खोल तलाशी गई। तलाशी में 20 बोरियों में रखी गई 1404 नग चिप रेंज की अंग्रेजी शराब की बोतलें जब्त की गई। आबकारी विभाग द्वारा पंचनामा की कार्यवाही कर जब्त शराब पुलिस को सुपुर्द की गई। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ से राजेंद्र गाड़े, सुनील सोनी की रिपोर्ट। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।